हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की। और इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि जैव विविधता किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, और साथ ही साथ हमने कुछ आंकड़ों के माध्यम से भारत और विश्व की जैव विविधता को जानने का प्रयास किया। बच्चों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैव विविधता के प्रतिरूप यानी पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में, जिसमें अक्षांशीय प्रवणता यानी लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट को हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा ग्लोब है और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद भूमध्य रेखा से 66.5 अंश उत्तर को उत्तरी शीत कटिबंध और 66.5 अंश दक्षिण को दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं, और ये आपके होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि विश्व के सभी क्षेत्रों में जैव विविधता और जाति स्थिरता एक जैसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विश्व के पूरे भूभाग पर मौसम और जो हमारे भौतिक वातावरणीय दशाएं हैं एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग मौसम की दशाएं होती है तो उनमें अलग अलग प्रकार के आवास पाए जाते हैं, और इन अलग अलग प्रकार आवासों में अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण का 23.5 अंश जो अक्षांश है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वर्षा बहुत अधिक होती है, और यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है। 23.5 से 66.5 अंश उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र। इसमें ताप परिवर्तन अधिक नहीं होता है, इसलिए जैव विविधता उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम होती है। 66.5 अंश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण में जाएं तो इस क्षेत्र को कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर केवल ऐसे ही जीव रहते हैं जो ठंडे में अपने को अनुकूलित कर लेते हैं, जैसे ध्रुवी भालू, पेंगुइन्स, जो बर्फ में अपने आप को बर्फ या ठंडे में अपने आप को अच्छे से रह सकते हैं, वैसे ही जीव यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जैव विविधता शीतोष्ण कटिबंधों से भी बहुत कम पाई जाती है, और ध्रुवों पर जो है जैव विविधता सबसे कम होती है। यहाँ पर लाइकेन, शैवाल जैसे बहुत कम यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैव विविधता सबसे कम यहाँ पर पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी ट्रॉपिकल रीजन में, उसके बाद टेम्परेट रीजन में, फिर फिजिट जोन में, उसके बाद पोल्स में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में। ठीक है बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, जैसे भूमध्य रेखा के पास एक देश है कोलंबिया। ठीक है, यहाँ पर 1400 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो है वो 41 डिग्री उत्तर में स्थित है, 41 डिग्री अक्षांश उत्तर में स्थित है न्यूयॉर्क, इसमें 105 जातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। और ग्रीनलैंड जो कि 71 अक्षांश पर है, यहाँ पर केवल 56 जातियां ही पाई जाती हैं। भारत जो कि भूमध्य रेखा के पास है, यहाँ पर पक्षियों की 1200 जातियां पाई जाती हैं। तो आपने देखा जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे जाते हैं तो यहाँ तो जैव विविधता कम होती रहती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, जो अमेजन रीजन है वहां पर पौधों की लगभग 40,000 जातियां, मछलियों की 30,000 जातियां, स्तनधारियों की 427, सरीसृपों की 378 और कशेरुकियों की 12,500 जातियां पाई जाती हैं।
ठीक है। तो देखा आपने कि जो अमेजन नदी का क्षेत्र है ये जैव विविधता के मामले में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता इतनी ज्यादा होती क्यों है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर हाई प्रोडक्टिविटी होती है, यानी इस क्षेत्र में सूरज की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त होती है, इसलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, वनों की उत्पादकता अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक होती है। दूसरा है स्थिर पर्यावरण, यानी स्टेबल इन्वायरमेंट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो इन्वायरमेंट है एक जैसा होता है, यहाँ पे मौसम में परिवर्तन कम होते हैं और स्थिर पर्यावरण के कारण ये क्षेत्र निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इनमें जैव विविधता अधिक होती है, निच स्पेशलाइजेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। स्थिर पर्यावरण जो होगा जीवों को शीघ्रता से वातावरण के अनुकूलित कर लेता है और इसी अनुकूलन के कारण जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। स्थिर पर्यावरण जीवों को शीघ्रता से वातावरण के अनुकूल कर देता है, अगर मौसम बदलता रहेगा तो वहां पर सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। अगला कारण है नो कैटास्ट्रोफ्स, ठीक है, कोई यहाँ पर कोई विपत्ति नहीं आती है। किस सेंस में इसको समझिए, शीतोष्ण क्षेत्रों में समय समय पर ग्लेशिएशन यानी हिमनदन होता है, ठीक है, भूस्खलन वगैरह सब होता रहता है जो जीवों के लिए अच्छा नहीं होता है और जीवों की संख्या को घटाता है, जबकि हमारे जो ट्रॉपिकल एरिया है उष्णकटिबंधीय वन है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई आपदा नहीं आती है, मौसम और पर्यावरण में परिवर्तन कम होता है, इससे जीवों का जीवन भी निरंतर अबाधित रहता है और प्राकृतिक आपदाओं और इन चीजों से उनकी कोई मृत्यु नहीं होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है जाति क्षेत्र संबंध, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। बच्चों जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में अपनी रिसर्च की और उन्होंने बताया कि जब हम एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, एरिया बढ़ाने के साथ साथ स्पीसीज रिचनेस है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती हुई जाती है। जैसे माना मैं पहले इस एरिया में खोज कर रही हूं तो यहां पर माना मुझे 12 स्पीसीज मिली, ठीक है, फिर मैं अपनी खोज का एरिया बढ़ाऊंगी तो मुझे यहां पर माना 18 स्पीसीज मिली, फिर मैं एरिया बढ़ाऊंगी तो मुझे यहां पर 25 स्पीसीज मिल जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब है हम जैसे जैसे खोज का एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस यानी विभिन्न प्रकार की जातियों की संख्या, उसे स्पीसीज रिचनेस कहते हैं, वो बढ़ती हुई जाती है। लेकिन फिर क्या होगा, एक समय बाद मैं फिर एरिया बढ़ाऊंगी तो फिर स्पीसीज रिचनेस में कोई खास अंतर नहीं आएगा, फिर मुझे वही स्पीसीज मिलेंगी जो मुझे यहाँ मिली थी, वही मिलेंगी जो मुझे यहाँ मिली थी, वही मिलेंगी जो मुझे यहाँ मिली थी, एक एक या दो स्पीसीज बढ़कर मिल सकती हैं, लेकिन फिर जैसे फिर एरिया बढ़ाऊंगी तो मुझे वही स्पीसीज बार बार मिलेंगी, ठीक है। ये देख लीजिए ग्राफ है, जैसे जैसे ये क्षेत्र है, ये जातियों का समूह है यानी जातियां अनेक प्रकार की जातियां हैं ये क्षेत्र है। जैसे जैसे मैंने एरिया बढ़ाया तो बढ़ती गई जातियों की संख्या, लेकिन एक समय यहाँ पर ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो है वो अब नई जातियां मुझे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, आयताकार अति परवलय, इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ऐसा ग्राफ हमको मिलता है। जब हम चमगादड़, अलवणी जल की मछलियां, अनावृत बीजी पादप आदि इन सब के लिए जो होता है ये जो ग्राफ होता है क्षेत्र और जाति समूह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसको याद रखिएगा। इस संबंध को ये जो संबंध है इसको लॉगरिदम यानी लघुगणक स्केल पर सीधी रेखा के रूप में दिखाता है, जिसे log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a, ठीक है, और यहाँ पर s इज इक्वल्स टू c a z, c यहाँ पर है स्पीसीज रिचनेस, a है एरिया और z है रेखीय ढाल और c है
वायु अंतःखंड का इंटरसेप्ट, ठीक है, वायु अंतःखंड या इंटरसेप्टर है, ठीक है। जब छोटे क्षेत्र होते हैं उनके लिए जेड का मान 0.1 से 0.2 के आसपास होता है, छोटे क्षेत्र होंगे तो जेड का मान 0.1 से 0.2 के पास होता है। अब छोटे क्षेत्र कैसे, जैसे हम ब्रिटेन के पादप कहें, न्यूयॉर्क के मोलस्का कहें, भारत की मछलियां कहें, कैलिफोर्निया के पक्षी कहेंगे, नेपाल की गाय कहेंगे, तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए तो जो z का मान है वो 0.1 से 0.2 होगा, ठीक है। यदि क्षेत्र बड़े हों, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र, जैसे हम महाद्वीप ले लेते हैं, संपूर्ण महाद्वीप की बात करें, जैसे अफ्रीका महाद्वीप कहें, एशिया महाद्वीप कहें, तो इनके लिए जो z होता है वो एकदम तिरछा खड़ा हो जाता है, और z एक ऐसे तिरछा हो जाता है, और z का मान 0.6 से 1.2 के बीच हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग महाद्वीपों के उष्णकटिबंधी वनों के फलाहारी पक्षी और स्तनधारी धारियों के लिए जो रेखा की ढलान होगी, z का मान वो 1.5 होता है, ठीक है, यानी 0.6 से 1.2 के बीच में हो सकता है। कंक्लूजन ये है कि इस परिप्रेक्ष्य में तेज तिरछी खड़ी ढाल का अर्थ है कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतनी अधिक जाति स्मृति या जाति विविधता हमको मिलेगी, ठीक है। ये ग्राफ और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, ये देख लीजिए, ठीक है, जाति समूह और क्षेत्र के बीच में S इज इक्वल्स टू सी ए जेड और log S इक्वल्स टू log C प्लस जेड log A। चलिए अब बात करते हैं जीव विविधता का परितंत्र में महत्व। बच्चों, जातियों की संख्या इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस किस लिए? अधिक उत्पादकता, मोर प्रोडक्टिविटी। एक प्रकृति वैज्ञानिक थे डेविड टिलमैन, उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि किसी क्षेत्र में जितनी अधिक जातियां पाई जाएंगी उस क्षेत्र की उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। यदि जातियों की संख्या स्थिर रहे तो उस क्षेत्र के जैव भार में भी अधिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्थिरता। टिलमैन के अनुसार यदि जाति विविधता अधिक होती है तो वो परितंत्र अधिक स्थायी होता है और लंबे समय तक स्थायी बने रहता है, और परितंत्र का स्थायी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो स्थायी परितंत्र होता है वह समय समय पर आने वाली प्राकृतिक और मानवीय बाधाओं तथा विदेशी आक्रमणों को सह लेता है। उत्पादकता भी अधिक होती है और खाद्य जाल विविधतापूर्ण होता है जो कि स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। जितने ज्यादा जीव होंगे, जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी तो वो परितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप की फूड वेव्स होंगी, ठीक है, खाने की कोई कमी नहीं होगी, अलग अलग टाइप के आपके जीवों के पास ऑप्शन होंगे खाने पीने के, तो वो परितंत्र जो है वो स्टेबल रहता है और किसी भी प्रकार के बाधाओं को वो झेल लेता। अगला है पारिस्थितिकी स्वास्थ्य। जाति विविधता वाले परितंत्र में खाद्य श्रृंखला ब्रांच्ड होती है, यानी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बहुत अच्छी होती हैं और एक दूसरे पर निर्भरता बहुत अधिक होती है, और खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक जीव का कार्य महत्वपूर्ण होता है। यदि खाद्य श्रृंखला की एक भी कड़ी अगर खत्म हो जाती है तो उससे और जातियां भी प्रभावित होती हैं और परितंत्र जो है वो असंतुलित हो जाता है। यहां पर डेविड स्टिलमैन जो है उन्होंने जातियों की स्थिरता और उत्पादन पर कार्य किया है। उन्होंने बताया कि जो स्टेबल कम्युनिटी होती है, ठीक है, जो स्थायी समुदाय होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो स्थायी कम्युनिटी होती है वो अपने प्रोडक्टिविटी, अपने ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में उनके कोई अंतर नहीं होता है। ये डिस्टर्बेंस यानी बाहरी जो बदलाव है, डिस्टर्बेंस है, उनके लिए प्रतिरोधी या रेजिस्टेंस होते हैं। ये बाहर की एलियन स्पीसीज से भी अच्छे से मुकाबला करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और थ्योरी आती है पॉल एनरिक की, ठीक है। इनकी थ्योरी थी रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस। रिवर्ट
कोपर हाइपोथेसिस, ठीक है। उन्होंने बताया कि परितंत्र होता है एक जहाज, परितंत्र एक जहाज है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्क्रू या नट बोल्ट लगे होते हैं, इनको इनको जोड़ने के लिए, इसके पार्ट को असेंबल करने के लिए बहुत सारे टूल, बहुत सारे स्क्रू नट या बोल्ट लगे होते हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्लेन है वो परितंत्र है और जो स्क्रू है वो जातियां हैं, ठीक है। अगर प्लेन में से एक एक स्क्रू निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो प्लेन तो क्रैश हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि वायुयान में लगे अगर क्रूज को, नट बोल्ट को, उसमें बैठे यात्री अपने घर ले जाने लगे तो फिर विमान का क्या होगा, जहाज का क्या होगा, वो तो उड़ने योग्य ही नहीं रहेगा, ठीक है। उनके अनुसार वायुयानों की जो सीटें हैं, जहाज की जो सीटें हैं, उनके जो स्क्रू हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके पंखों के स्क्रू, ठीक है। उन्होंने बताया कि वायुयान को परितंत्र उन्होंने बनाया, स्क्रू को जातियां, और यात्रियों को, यात्रियों द्वारा ले जाने को उन्होंने कहा कि लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। ले जाना मतलब स्क्रू निकाल के ले जा रहे हैं, मतलब जातियों को, जातियां लुप्त हो रही है किनके कारण, ये जो हमारा अकुशल रूप से हम दोहन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके कारण जातियां विलुप्त हो रहे हैं। तो क्या होगा, जहाज उड़ नहीं पाएगा, क्रैश हो जाएगा। क्रैश अगर हो जाएगा तो वायुयान में बैठे जो लोग हैं, जो अपने साथ स्क्रू निकाल निकाल के ले जा रहे थे, वो भी मारे जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो इन चीजों के लिए जिम्मेदार है अन्य जातियों के साथ, उसका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। ये थी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, किसकी, पॉल एनरिक की, ठीक है। यानी कि जैसे जहाज का हर स्क्रू इंपॉर्टेंट होता है उसके उड़ने और चलने के लिए, वैसे ही परितंत्र के अंदर हर छोटी बड़ी जाति की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। परितंत्र के सभी हिस्से जातियों द्वारा जुड़े होते हैं, जातियों के लुप्त होने पर परितंत्र कमजोर हो जाता है। यदि जाति की कीस्टोन प्रजाति हुई जो लुप्त हुई है, तब तो बहुत ही घातक परिणाम उसके देखने को मिल सकते हैं। अब जाति विविधता के परितंत्र में महत्व को हम इन पॉइंट से समझते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, आनुवंशिकी विविधता, प्रोटेक्टेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, स्पीड रिकवरी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी के लिए, अडेप्टेशन टू डिफरेंट हैबिटेट्स के लिए, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए, और मेंटेन फूड चेन इन नेचर के लिए। यानी आनुवंशिक विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी का महत्व है, हमारे जो जल स्रोत हैं उनके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और पारिस्थितिक में जो रिकवरी होती है डिजास्टर के बाद, वो भी बायोडाइवर्सिटी ही उन रिकवरीज के लिए बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम में बैलेंस के लिए, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए, हमारी जितने भी जीव हैं उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, अनुकूलनों के लिए, हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए, और फूड नेचर में फूड चेन को मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा आप उसे दोहराइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर जब आप बुक से पढ़ेंगे इस चीज को दोबारा, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।